खेल विधेयक पर कांग्रेस पार्टी के बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे खेदपूर्ण करार दिया है। धूमल ने हमीरपुर में कहा कि कांग्रेस अपने पापों के कारण इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास करती है और खेल विधेयक कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से बनाया था जिसका उस समय भी विरोध हुआ था। धूमल ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि खेलों पर कांग्रेस का कब्जा हो जाए। धूमल ने कहा कि अगर कांग्रेस में क्षमता होती तो वह खेलों को बहुत आगे ले जाती, लेकिन अब बीजेपी खेलों को बढ़ावा देने में लगी है तो कांग्रेस को यह बात चुभ रही है। धूमल ने कहा कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो रही है। धूमल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को आज के समय में अपना ही नहीं पता है कि आज वह कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। धूमल ने कहा कि आगामी वर्ष लोकसभा चुनावों में देश में फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस अपने पापों के कारण इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास करती है। खेल विधेयक कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कारणों के कारण बनाया था और उसमें भी विधानसभा में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि खेल विशेष पर उनका कब्जा हो जाए, बाकी खेलों को प्रोत्साहित करने में पूरी तरह सफल थे। 42 और खेले हैं प्रदेश में जो चलती हैं, अगर इनमें क्षमता होती, योग्यता होती तो उन खेल संघों को भी बहुत आगे ले जाते। सकारात्मक सोच ना होने के कारण हर चीज में वो नकारात्मक सोचते हैं और हर अच्छे कदम का विरोध करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का विरोध दिखावा मात्र है। प्रदेश की जनता भी जानती है कि इन्होंने खेलों को दबाने का प्रयास किया, विकसित करने का नहीं। मुझे विश्वास है वर्तमान सरकार के सहयोग से सारे के सारे खेल संगठन अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम करेंगे और केवल एक खेल नहीं, सब खेलों का विकास होगा। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं और कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, कांग्रेस का हाल तो हाल ये है कि उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा के उपचुनावों में बीजेपी हारी, लेकिन कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई तो इनको अपनी जमानत जब्त होने की चिंता नहीं थी, बीजेपी हारी है इसकी खुशी मना रहे थे। आज देश भर की जो विरोधी दल है वो सब भेदभाव बुलाकर प्रयास कर रहे हैं, मतभेद बुलाकर कि हम मिलकर मोदी सरकार को कैसे हटाएं, लेकिन देश की जनता जानती है मोदी ने हर कदम आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, साधारण नागरिक के लिए, सामान्य नागरिक की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए उठाए हैं। देश और प्रदेश में, विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है, तो कांग्रेस उसमें अपना स्थान ढूंढ रही है विपक्ष में। हमारे एक नेता ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि कांग्रेस पहले अपना पता तो करे, उनके नेता का स्थान क्या होगा अगर तीसरा फ्रंट या दूसरा फ्रंट जो भी बनेगा, तो इनको कोई स्थान होगा भी उसमें? आज निराश हताश लोगों का टोला इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ही चुनाव पार्लियामेंट के आएंगे तब तक लोगों को और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। मोदी जी फिर देश में विजय प्राप्त करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भारी बहुमत के साथ बनेगी। वहीं गत दिवस अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोगों के आरक्षण को लेकर किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस का साथ दिए जाने पर धूमल ने निंदा करते हुए कहा कि देश विरोधी तत्व इस ताक में थी कि कोई बहाना आंदोलन करने का मिले। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में निराश हताश लोगों का टोला इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर से केंद्र में मोदी की सरकार ही बनेगी। जैसे कल का एजिटेशन जो था, 18 मार्च को निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, 19 को कॉपीज मिली, स्टडी करके उसकी रिप्लाई तैयार की गई और रिव्यू पटिशन डालने का निर्णय सरकार ने ले लिया। वीरवार को महावीर जयंती का अवकाश था, शुक्रवार को गुड फ्राइडे था, शनिवार को वैसे कोर्ट बंद थे, संडे की छुट्टी थी, कल ही सोमवार पहला वर्किंग डे था, पहले वर्किंग डे में वो फाइल कर दी गई रिव्यू पिटीशन। लेकिन इसका एक संदेश जनता को स्पष्ट मिल गया है, देश के लोगों को पता लग गया कि
कि कुछ समाज विरोधी देश विरोधी तत्व तो इस काम में लगे थे तैयारी करने में कि बहाना कोई मिले तो देश को जलाएं। इसलिए आंदोलनकारियों के गोलियां भी चली, वाहन जलाए गए, लोगों को चोटें लगी, अनेकों लोग मरे, 10 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आंदोलन जनता का समर्थन देने नहीं होता। ऐसे निर्दयी आंदोलनकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिस समाज को जिस बात से ठेस पहुंची है, जो उनको लगता है हमारा अधिकार कम हो रहा है, उनको इंसाफ मिले, उसमें उच्चतम न्यायालय उचित निर्णय करे ताकि इस तरह का वैमनस्य का भाव फिर से प्रदेश देश में पैदा ना हो। जो लोग ऐसे मौक़ों की तलाश में, हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे मौके पैदा ना होने दें जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों में कोई टकराव पैदा हो। भारत महान बने, 21वीं सदी भारत की हो, भारत फिर विश्वगुरु बने, इसके लिए अपने छोटे मोटे मतभेद बुलाकर सबको राष्ट्रहित में सोचना चाहिए।